हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मोना कहती है तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। सुबह सुबह अब बन रही है चाय, ब्रश वश मैंने कर लिया है तो इधर हमारी चाय करीब करीब बनी गई है। पहले चाय पीते हैं। भिंडी आलू बना रही हूँ, भिंडी को नया ट्विस्ट देने के लिए, और प्याज यहाँ कट करके रख लिया है। यहाँ ऑयल करीब करीब गर्म ही हो गया तो देखती हूँ आज ये मेरा भिंडी आलू कैसा बनता है। मैंने इसे खबर आ लिया और ये प्याज मैंने कट किया और मैंने मोटे मोटे कट किए हैं। तो ये एक ट्रिक है मोटे प्याज कट करने की। अगर आपकी सब्जी ड्राई है, लाइक वो पानी नहीं छोड़ती, जैसे कि आलू और भिंडी, ये दोनों पानी नहीं रिलीज करेगा, ये दोनों पानी रिलीज नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़े मोटे प्याज डाली हूँ ताकि प्याज की जो स्वीटनेस है वो ख़त्म ना हो, वो जले नहीं, इसके लिए थोड़ा मोटा प्याज। और अगर आप जैसे नीनुआ बनाते तो वो पानी छोड़ता है, तो इसलिए उसमें प्याज पतले डाल सकते हो, मगर इसमें मैं थोड़े मोटे ही डालती हूँ। और जैसे करेला हुआ, करेला में भी प्याज, क्योंकि उसके साथ के साथ वो भुनता है तो प्याज जल्दी पक जाता है और जलना चालू हो जाता है, इसलिए थोड़े मोटे काटो और तुरंत नहीं डालो, थोड़ा रुक के डालो थोड़ा सा भूनने के बाद। तो पहले ही से मैं थोड़ा सा तो भून लूँगी थोड़ी देर तक, उसके बाद ही डालूँगी। और आलू और भिंडी 20-30% भुन गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये प्याज। तो प्याज इसके अंदर गया, अब इसे हल्का सा फिर भुनेंगे। और कुक होने के लिए रखना है तो कुक होने के लिए इसे ढक के रखेंगे। भिंडी में तो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आलू है साथ में, आलू इसकी स्टिकीनेस कम कर देता है। अब इसमें डालूंगी हल्दी, नमक और इसे ढक के पकाऊंगी। इसका फ्लेम बहुत हाई है, मतलब ये स्लो करने पे भी स्लो नहीं होता है, तो इसे ये वाले लो फ्लेम पे चढ़ा देती हूँ। इसका बर्नर बहुत बड़ा है और ये देखिएगी कितनी तेज़ जलता है, इसलिए इसे बंद कर दिया और इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे भूनना है तो भून रही हूँ। एंड ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से भुने हैं मेरे। देखिए आलू भी भुन गए, आलू कुक भी हो गए, ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, और भिंडी भी भुन गई, स्टिकीनेस जीरो हो चुकी है। तो इस तरीके से आलू भिंडी बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत यम्मी लगेगा। आप देखिए, देख ही सकते हो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। प्याज भी उतना ही भुना है जितनी ज़रूरत थी, थोड़ा सा मैं इसे और भून लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये क्या गजब का, मतलब इसका देख के ही पता चल रहा है कितना टेस्टी बना होगा। तो अब देखते हैं फाइनली वो कैसा दिख रहा है। देखिए मस्त बन गया है, अब इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से आपको बहुत करीब से बता रही हूँ, इतना ज़बरदस्त भुना है कि बस आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो भिंडी को थोड़ा मैंने बड़ा कट किया है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो छोटा भी कट कर सकते हो, बट ऐसे भुनने में थोड़ा इजी रहता है। और इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ जब भिंडी बनाओगे ना तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। सुबह सुबह ये भी काम लग गया, स्कूटी की चाबी चाहिए, स्कूटी की चाबी, एक्चुअली बैटरी उसकी बैठ गई है, पता नहीं कैसे इन लोगों ने क्या ही करा है। वो बनाने के लिए आए हैं, उनको दिखाते हैं। एकदम बैठ गया, अभी नहीं जल रहा लाइट इसका, कल तो जल रहा था थोड़ी देर बाद। हाँ नहीं, स्टार्ट नहीं हो रहा था ये स्क्रीन, मतलब शो कर रहा था। मम्मी आप पूजा कर रही हैं, मम्मी क्यों नहीं आसनी पर बैठ गई हैं। हम जाना फैन चला देते हैं, तो लैंप लगा देते हैं ताकि ये बुझे नहीं और फैन चलता रहे, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है। बैटरी आपका खत्म है? बैटरी खत्म है तो दूसरा लेना पड़ेगा फिर जी। तब ये की गाड़ी हम आपकी ले जा रहे हैं। हाँ। बैटरी उटरी वहाँ लग जाएगा, अभी जो भी आपका कोई दिक्कत पता नहीं हो तो बता दीजिए। नहीं और तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो जो भी हो तो मतलब गाड़ी आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी एजेंसी से। ठीक, गाड़ी हम लेते जा रहे हैं और पेपर दे दीजिए गाड़ी। ये बैटरी है? हाँ। इतनी छोटी सी बैटरी है। कृषि जा रहा है, उसको मैंने पैसे भी दिए हैं कि वहाँ जा कुछ खाएगा, इसकी बैटरी इतनी अच्छी। तो 2 घंटे वहाँ पे रुकना है, वहाँ 2 घंटे रुकेगा तब जाके बैटरी का पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस होगा, गारंटी पीरियड में होगा तो भी रिप्लेस होगा, और बैठ गई होगी बैटरी तो चार्ज करके ही लोग देखेंगे अगर सही होता है। इसलिए ये लाइट ऑन करके छोड़ा था, इसीलिए वो डिस्चार्ज हुआ है ना, इसीलिए यही 3 घंटे के लिए जाना है, इसीलिए इसको भेजा जा रहा है। नाश्ता वास्ता हमने करा दिया, अब निकल रहा है। भाग
भागो, हेलमेट लेके जाओ। उसका शीशा निकल गया, मतलब इसको सामान रखने वाला बना दिया, वो टूट गया। चलो हो गया, तोड़ ही दोगे तुम लोग, जान बुझ के तोड़ते हो, यूज ना करना पड़े। खोपड़ी पता रही ना, अभी 100 रुपए दी हूँ खाने के लिए और लेके जा रहा है। 20 रुपए तो दी हो, 100 रुपए बोल वो 20 रुपए के 100 रुपए है। बाय, कमार लेके आओ तुम, चाबी क्या खड़ी हो, ये तो तुम जान निकाल लेगा। तो जा रहे हैं हेलमेट लगा के, इसको हेलमेट लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बेचारे को लगाना पड़ रहा है। जिंदगी जीने जा रहा है। मम्मी उससे कह दो कि धीरे चलाएगा। धीरे चलाना, तुम सुन रहे हो, इधर देखो, चलो अंकल, चलाना नहीं तो बहुत पिटाई होगी। वो इतना तेज गाड़ी चलाता है ना, मैं आपको सच बता दूँ, बहुत तेज चलाता है। मतलब लिटरली मैं जब ठंडी में स्कूल जाती थी, मेरे आँख से आंसू गिरते थे, क्योंकि वो एक्चुअली ठंडी रहती थी तो वो ऑटोमेटिक गिरते थे। एंड इसकी स्पीड इतनी तेज होती थी, इतनी तेज होती थी, आपको क्या बताऊँ। चलो अब मैं जा रही हूँ ना, बेचारी सोच रही है ये बच्चा नहीं है, वो बहुत तेज है स्कूटी चलाने में। बाबू देखे है ना, हम कह रहे बाबू बहुत बार सर्विसिंग कराया मेरे। इधर आ गया है मेरा नाश्ता और ये दही भी ले लिया मैंने, बहुत मज़ा आता है दही के साथ खाने में पराठा, और ये मेरा टेम्पटिंग सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैं करूँगी अपना ये नाश्ता और मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद आप लोगों से। कृषि आ चुका है और फिर से रेडी हो रहा है। तो स्कूटी में क्या प्रॉब्लम थी? बैटरी को मेरा बेटा ड्रेन कर दिया था, ऑन करके छोड़ा था। और दादी क्या बोली, कोई चाबी घुमा दिया होगा। अरे कोई क्यों घुमाएगा, ये खुद घुमा के छोड़ा था। रेडी हो रहा है, ये जाएगा कोचिंग और कपड़े पहन लिया है। और बताओ मेरे से क्या काम करा रहे हो? क्या काम करा रहे? वही, अपना शक्ल दिखा दो। बता दो क्या काम करा रहे हो। वो कितना, मम्मी कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। मम्मी क्या काम करा रहे हो, वो बॉयल करा रहे हैं। क्या बॉयल करवा रहे हैं? सोयाबीन। तो बस बॉयल कर कैसे खा लेगा? और नहीं ठंडा, अब जब आएगा तो उसको देंगे। अच्छा, आ गया सुधार, अब कोई उत्पात नहीं होगा। नहीं होगा तो देखना क्या करेंगे। आज कृषि किचन में क्यों है, क्या रीजन है? कृषि ने कुछ देखा है यूट्यूब पे, देखा है कि कहाँ देखा है, और कोई प्रोटीन बना रहा है अपने लिए। प्रोटीन क्या है बाबू बताओ? मतलब प्रोटीन है, सोया चंक्स है। हाँ, बट सोया चंक्स मतलब सबसे ज्यादा मतलब वेजिटेरियन में प्रोटीन देने वाला सोर्स है, प्रोटीन सोर्स है। जो की पर 100 ग्राम में हमें 52 ग्राम सब प्रोटीन दे देता है। किडनी बीन्स देता है सबसे ज्यादा। हाँ, ये देता है, ये देता, शायद ये देता है, ये और मूंग भी देता है, वो ग्रीन वाला जो होता है। 200 ग्राम में जो कि आपको 20 रुपए का पड़ता है और 52 ग्राम सब प्रोटीन दे देता है। सो इसने पूरी प्रिपरेशन कर ली है और कुछ हम मुझसे भी करवाई है। तो यहाँ मैंने इसे हल्दी, नमक, पता नहीं क्या क्या, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी मंगा था ये सब ले दिया है। और इधर ये सब इसने खुद कट किया है, प्याज एंड टमाटर, एंड इधर सोया को बॉईल करके पीस, मतलब खुद ही पेस्ट बनाया। हाँ, अच्छा क्रम्बल किया है इसने। और दोनों घी, क्या घी? वो घी नहीं डालो, बंद करो उसको, मैं देती हूँ। तो कृषि ये सारी चीजें डालेगा, प्याज डालेगा, टमाटर डालेगा, यही सब करेगा। और क्या, तो हलवा जैसा नहीं बन जाएगा वो, कैसा बनेगा? ओ कृषि, तुम तो बहुत बड़ी गलती कर दी हो, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है तुम। पूछो क्या, तुमने ये जो इसे ब्लेंड किया है ना, वो पानी के, पानी बिना निचोड़े, आ तो निचोड़ दिए होते। तो गलती से हो गया ना, लाओ मैं निचोड़ दूँ थोड़ा सा, रुक जाओ, ऑप्शन है मेरे पास, कोई मतलब ही नहीं है। क्या रेडी हो गया है, इसमें डालेगा प्याज और भुनेगा, टमाटर भुनेगा, बाकी के मसाले डालेगा और इस तरीके से बनाएगा। तो जब कृषि बना लेता है फिर आपको मैं दिखाती हूँ क्या, मतलब इसने कैसा बनाया है, ये खुद ही बताएगा। सो कृषि ने ये अपना बना लिया है, पानी ले रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया, मुझे तो अच्छा लगा। और जिसको भी इनटेक करना हो प्रोटीन का इस तरीके से तो कर सकते हैं। ये थोड़ा ना इसने निचोड़ा नहीं था अच्छे से, ऐसे ही ब्लेंड कर दिया था।
अब मैंने इसे बता दिया है, तो अब ये ब्लेंड करने से पहले न्यूट्रेला को निचोड़ लेगा। पहले इसने बॉईल किया था, है ना, बॉईल करवाया था, मतलब मिक्सी से करवा के रखवा दिया था कि कूल हो जाए, उसके बाद इसको ब्लेंड करना था। सो अब ये खा रहा है, इसका मतलब अच्छा है तभी खा रहा है। वैसे ये कोई चीज बहुत ना भों से गड़ता है, तो आप भी घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। डिनर में आज बनी है तहरी, तो तहरी खाएंगे हम लोग। और अब जस्ट अभी फ्री हुई हूँ तो आके थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, और चलते हैं अब फटाक से डिनर करते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए। बाय बाय।